क्या सब यही से पास से कुछ कोई तो जानवर क्या हो सकता है वो? गाइस देख लो कितना घना हो रहा है यहाँ पर जंगल। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ मेरी टीम के साथ एक काफी ज्यादा घने जंगल के अंदर में। तो इस घने जंगल में है बहुत सारे तेंदुए, सांप, बिच्छू और भी ऐसी ऐसी मुसीबतें जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो इस जंगल में गाइस रहना इतना कोई आसान काम नहीं है, बट आज हम यहाँ पर फुल नाइट कैंपिंग करने वाले है, वो भी बिना टेंट के। आज हमारे पास कोई टेंट नहीं है जिसके अंदर हम सो पाए या फिर कुछ भी हम कर पाए। आज हमें जंगल में घूमना पड़ेगा, खाना जो वो यहाँ पर बनाएंगे बैठकर, लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, बट सोने के लिए हमें अपनी गाड़ी का ही यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं आज के वीडियो में कितनी मुसीबतें आती है और आज के वीडियो में आगे आगे क्या होता है, वो तो काफी ज्यादा मजेदार होगा। बट जो भी होगा आप फटाफट से जो लाइक का बटन है वो दबा देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस हम निकल चुके हैं जंगल घूमने के लिए, गाड़ी तो हमने बहुत पीछे छोड़ दी है। क्या नजारा है एक बार देख लीजिए, लुक एट दिस। हमें कुछ कुछ चीजें ऐसी दिख रही है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते हैं। यहाँ पर हर कदम संभाल कर रखना है, ध्यान से सभी। लाइक तेंदुआ आ सकता है, वो नीलगाय वगैरह होती है ना, वो भी हमला करती है, पता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई ऐसे मांसाहारी जो जीव होते उनसे ही खतरा है, कोई आपको ऐसे सुअर वगैरह दिख गए ना वो भी खतरनाक हमला करता है। और जैसे जैसे गाइस रात हो गई ये जगह और भी खतरनाक होने लगेगी, क्योंकि रात होते ही सारे जो जानवर होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। और आज हमारे पास सेफ्टी के नाम पर सिर्फ दो ऐसे बेल्ट है, बाकी कुछ नहीं है गाइस। ये एंडलेस है, हम आपको दिखाते जाएंगे, ये आता जाएगा खत्म ही नहीं होता। चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल है, वो तो आपने ड्रोन शॉट में देखा होगा कितना घना है। और यहाँ पर तेंदुए के मतलब एनकाउंटर्स तो बहुत होते हैं ना, मतलब लोग देखते हैं तेंदुए बहुत सारे, तेंदुए भी शिकार करते हैं बहुत सारे प्राणियों का। तो बट ठीक है, अभी के लिए हम जो आपको ये जंगल घुमा रहे, और गाइज हम जो यहाँ पर अभी अंधेरा नहीं है इसीलिए घूम रहे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है तो आपको पता है जंगली जानवरों का टाइम शुरू हो जाता है और बाद में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर तेंदुआ यहीं पर कहीं है इसी जगह पर तो वो हमें देख रहा है, बट हम उसे नहीं देख पाएंगे, ये एक फैक्ट है गाइज। एक अच्छी जगह भी ढूंढ लेते हैं, और अभी अंधेरा नहीं हुआ है तो हम लोग फटाफट से जो ना हमारी कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम बाहर रहेंगे, सिर्फ सोने के लिए गाड़ी में जाने वाला है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, सूखी लकड़ियाँ जंगल में ढूंढना इतना मुश्किल काम भी नहीं होता है। ये ऑलमोस्ट डेड है, देखा, ये सूख चुका है, पूरा पेड़ सूख चुका है। इस जंगल में आपको लकड़ियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती है। गाइज यहाँ पर हम लकड़ियाँ लेने के लिए आए हैं, बट ध्यान से पैर रखना, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अजीब चीज देखने को मिली है भाई साहब। ये क्या पता है? ये है सांप की स्किन, सांप की केचुली बोलते हैं इसको। तो भाई साहब इस जगह से दूर रहना ही सही है, मैंने आपको बोला ना, आपको पता नहीं होगा, वो आपको सारी चीजें देख रही होती है जंगल की। गाइस तो अभी इतनी लकड़ियां हमें मिली है कैंप फायर करने के लिए, और भी बहुत सारी की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो सिर्फ ऐसे काम चलाने के लिए अभी ले ली है, और भी हमें लेनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर नाइट कैंपिंग के लिए हमने जो जगह है वो साफ कर दी है, और साथ ही में गाड़ी को भी नेक्स्ट टू प्लेस लगा दिया है, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आपको भी पता है सोना भी वैसे गाड़ी में है। तो इस जगह पर हमने गाड़ी और जो मैदान थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। गाइस तो यहाँ पर एक रात के लिए हम रुकने वाले हैं, तो हमारे पास इनफ सारी चीजें हैं, जैसे कि पानी का अच्छा खासा स्टॉक है, कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास में, और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर नाश्ते के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि खाना वगैरह हमारा चल सकता है। और मेन जो आज खाना होगा वो वापस से गाइस मैगी होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ लाए नहीं है ना बनाने के लिए, सिर्फ मैगी है, काम चल जाता है। तो ठीक है गाइस, एंड
दूध है चाय बनाने के लिए। बाकी गाइस बर्तन वगैरह है। टूल्स की बात करें तो हमारे पास टॉर्च वगैरह है, सारी चीजें। चलो ठीक है गाइस, तो ये सामान है और मेरे हिसाब से इनफ हो जाएगा आज के लिए। बाकी पता नहीं आज की रात कैसी गुजरने वाली है गाइस, क्योंकि हम एकदम सेंटर में है एक जंगल के, देखते हैं कितना मजा आता है। तो गाइस यहाँ पर हम एक घेरा बनाएंगे पहले पत्थर से और इसके बीच में आग लगाने वाले हैं। ये होगी हमारी कैंप फायर। और भाई साहब हजारों साल पुराना जो तरीका हम यूज करने वाले आग लगाने के लिए, हाँ अभी दिख रहा होगा। चलिए ट्राई करते हैं गाइस इससे आग लगती है या फिर नहीं। जल जा जल जा, आज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, बट कोई नहीं वो तो सही है। हाँ जल गई गाइस, जल गई आग जल गई। चलो फाइनली, ध्यान रखना अभी पूछना भाई। टूल की मदद से आग लगा ली है भाई साहब। ये टूल भीग जाए कुछ भी हो जाए, इससे आग लग सकती है कभी भी गाइस। तो मस्त कैंपिंग चल रही है अभी तक, सब कुछ सही है, हमें कुछ जानवर वगैरह अभी तक नहीं दिखा है और मस्त अपनी कैंप फायर यहाँ पर लग चुकी है। अभी कौन चाय कौन बना रहा है गाइस, कहीं पर भी जाओ, जंगल में जाओ, चांद पर जाओ, मार्स पर जाओ, वहां पर चाय होनी चाहिए, है ना गाइस। आग जो अपनी मस्त लग चुकी है, अभी के लिए तो सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक गाइस अंधेरा नहीं होता जंगल मस्त दिखता है, आप मजा भी आएगा आपको। बट जैसे ही अंधेरा होने लगता है भाई सब, भूतिया होने लगता है जंगल। दिखाओ जरा कैसा जम चुका है गाइस। देखो ये है दूध हमारा, जो कि पूरी तरीके से जम चुका है क्योंकि फ्रीजर में रख दिया था। अब इसको गर्म करेंगे और वापस से, ये तो भाई ऐसे लग रहा है वो क्या बोलते हैं इसको, मावा गाइस। तो यहाँ पर अपनी चाय बन रही है, दूध जो वो भी गर्म हो रहा है, पिघल जाएगा ना आराम से, पिघल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अगर आप में से कोई लोग हमारे साथ कैंपिंग करना चाहते है कर सकते ना, कमेंट में बताना। कितने कमेंट्स? 10,000। दस हजार कमेंट हो जाएंगे तो हम अपने साथ 10 बंदों को लेकर जाएंगे कैंपिंग पर, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं बोल दिया ठीक है गाइस। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि चाय बन पाएगी। एक चम्मच, हाँ बस दो ही डाल, कितना होता है दो चम्मच, हाँ ठीक है तीन चम्मच। अब जो भी बनेगा गाइस वो पीना पड़ेगा, पता नहीं कैसा बनने वाला है। गाइस तो यहाँ पर हमें चाय बनाने के लिए स्टोव का यूज करना पड़ा। अब बंद कर दे, हो गया गाइस। हो क्या रहा था पता है, जब हम इसे आग में रख रहे थे ना, जहां पर भी बैठो उस तरफ आग जा रही थी, मतलब बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे भी हमने इसको वो चूल्हे टाइप में नहीं बनाया था। और अभी देखते हैं क्या होता है, चाय ढंग की बनी है या फिर नहीं। सही है गाइस, सच में बहुत बढ़िया चाय बनाई है। हालांकि उमंग बना रहा था फर्स्ट टाइम में, उसने कभी बनाई नहीं है। कैसी? ऐसी एक्सपेक्ट नहीं थी तुमसे। सही बना रही, सच में। तो गाइस बीच जंगल में अभी अभी ताजा चाय मिली है और भाई सब अंधेरा होने लगा है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर लाइट लगी हुई है इसलिए आपको थोड़ा सा दिख रहा है, बट सच में अंधेरा होने लगा है अभी। ये तुम लोगों ने सुना है यहाँ की बातें इस जगह के बारे में, लेपर्ड्स वगैरह के ना? लेपर्ड्स वगैरह भी है, भूत की भी है। लेपर्ड का अटैक बहुत होता है, भूत की भी का भी सुना है बट कम सुना है। हाँ बट जंगल में भूत क्या करने आते होंगे, क्या लगता है तुम्हें, सच में आते होंगे? बूढ़े लोगों के पास ज्यादा करते हैं, क्योंकि देखो दो हो सकती है कि बूढ़े लोगों के पास टाइम फ्री होता था तो मैंने ऐसे बूढ़े लोग देखे है गाइज। अभी बताओ इन लोगों को गाइज, मैंने ऐसे बूढ़े लोग देखे जो इतना फेंकते है। एक अंकल जी थे ठीक है, तो उनकी उम्र होगी कुछ 80 साल के आसपास, तो कितना फेंकते है पता है, वो फेंकते है कि मैं ना एक पूरा जो पेड़ होता है ना, समझ लो कि ये वाला जो पेड़ है, ये पेड़ इससे बड़ा, मैं वहां से दौड़ कर आऊंगा और इस पेड़ को एक ही छलांग में पूरा कूद जाऊंगा। ऐसी ऐसी फेंकते हैं। नहीं अभी नहीं, आप बोलोगे कूद के दिखाओ, मैं अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ और फेंकने की मतलब कुछ हद होती है। तो हो सकता है कि जो भूतों की बातें वगैरह होती है वो लाइक 50-50 होती है, मतलब 50% सही 50% ऐसे फेंक रहे, ऐसा भी हो सकता है। बाकी बताना आपके यहाँ को ऐसे फेंकने वाले अंकल हो तो उन्होंने क्या फेंका था वो हमें कमेंट में बताना, हम पढ़ेंगे, मजा आएगा सच में। हो गया सर? हेलो, रेडी रेडी, ठीक है चलो गाइस। तो अभी हमने हॉकी टॉकी पेयर कर लिया है क्योंकि आर्यन और सलमान यहीं पर रुक रहे हैं, उमंग समीर और भाई साहब मैं, हम जा रहे हैं आगे गाइस। अभी हम आपको आगे जंगल दिखाने ले जा रहे हैं क्योंकि जब हम लाइक दिन ढल रहा था उससे पहले आए थे तब ये जगह अच्छी लग रही थी, बट ये आप देख सकते हो एकदम भूतिया लग रहा है अभी। हेलो आवाज आ रही है? आ रही है गाइस। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके उतना अंदर जाए और आप लोगों को जंगल में से कोई जानवर वगैरह क्या है, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होंगी बट हम ट्राई करेंगे आपको कोई बड़ा कोई एनिमल वगैरह दिखा पाए, अगर पॉसिबल हुआ तो। सच बता दूं तो फट रही है सबकी क्योंकि उन दोनों को हम अकेला छोड़कर आए हैं, वैसे वॉकी टोकी दिया है तो इंस्टेंट जो यहाँ पर कॉल वगैरह लगता नहीं है। यहाँ पर दिया कुछ है साइड में, आवाज
सुनो गाइस, हो सकता है यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, गीदड़। आगे मत जाओ भाई, इसमें लगाओ यहाँ पर, पीछे ध्यान रखना। इस बहन तो नहीं था वो, पक्की बात है, कुछ आवाज तो यहाँ से आई, बट कैसी आवाज आती है पता है, लाइक जैसे हम चल रहे ना। हाँ बस ये वाली जो आवाज आई ना गाइस, ऐसा लगता है किसी ने ये जो झाड़ियाँ होती है ना उसमें चला, बट जैसे वहां जाते हो तो वहां पर कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है वो अपनी पोजीशन ले लेते होंगे, कोई भी जानवर पूरी सतर्कता से रहते हैं यहाँ पर। 100-200 मीटर और आगे चलते हैं, ज्यादा रिस्क हम नहीं ले सकते, गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, बट हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई ये डरा है। अभी सब ठीक है यहाँ पर, वहाँ पर कैसा है सब? यहाँ पे बहुत बड़ा सांप निकला है, तुम लोग ध्यान रखना, नीचे देख के चले। क्या सांप गाड़ी के पास में ही था? हाँ बच गए। एक काम करो, ऐसा हो सकता है तो तुम ध्यान से ना गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट से। वहाँ पर उन लोगों को बहुत बड़ा सांप दिख गया गाड़ी के पास में, उन लोगों को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखो हमें भी डर लग रहा है क्योंकि हम उन दोनों को अकेला छोड़ कर आए। आगे लगा फेंक लेता हूँ, चलो वापस निकलते हैं। गाइस क्या पता कुछ जानवर देखने के चक्कर में दिक्कत हो जाए, तो हम उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से हमारी गाड़ी दिख रही है, वही है ना, देखो ये वाला। चलो तो वापस पहुंच चुके हैं, मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि हम जो अपनी गाड़ी के पास में ही रहे, वहाँ भी खतरा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खतरा नहीं है, गाड़ी के पास ज्यादा सेफ रहेंगे। यहाँ पे सीन निकले थे ना, हाँ हाँ वहीं पे था, मतलब तुम लोगों ने देख लिया वहाँ से निकला और इस तरफ भाग गया, इस तरफ भाग गया। हमने देख लिया है कि किस तरफ गया है, तो उस हिसाब से हम जो सतर्क रह सकते हैं। वैसे मैंने आपसे बोला था ना यहाँ पर वो सांप की स्किन थी, उसी के पास में हम बैठे हुए हैं, तो बिल भी था, सांप की स्किन भी थी, तो पक्की बात है सांप तो यहाँ पर आना ही था। चलो कोई नहीं गाइस, गाड़ी में आ चुके, हमें कुछ नहीं दिखा वहाँ पर, कुछ है नहीं ऐसा, बट हाँ फिर भी क्या पता अगर कुछ हो और हम देख ना पाए वहाँ। गाइस तो अभी हमने सोचा फटाफट से खाना खा लेते, क्योंकि खाना खाने के बाद हम सतर्क रह सकते हैं, अभी भूख लगी है तो सतर्क तो रह नहीं पाएंगे। ये क्या हुआ? हो गया। चलो गाइस तो पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। गाइस तो अभी हम मैगी बना रहे हैं, और मुझे पता है आप लोगों का भी ये फेवरेट पार्ट है कैंपिंग का, मैगी बनती है, सबको बहुत मजा आता है। ठीक है ये एक, ये दो, तीन, चार, ओके गाइस तो दो और आ चुके हैं यहाँ पर, और ये भी डाल देते हैं। गाइस तो ये बन रही है अपनी मैगी, ये सीक्रेट गाइस सच बता रहा हूँ, जब आप जंगल जाएंगे ना तब आप लोग देखना, आपको आसपास में कुछ चलने की आवाज़ आएगी, बट जब आप वहाँ पर जाते हो तो कुछ नहीं होता है, मतलब एक कीड़ा भी नहीं। सुनो ध्यान से, लाइट लगाओ, लाइट। एक काम करो, कैसी अजीब थी। तुम लोग बनाओ, समीर आओ मेरे साथ, देखिएगा लाइट तो है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा, लकड़ी दो। गाइस सीरियसली मैंने और सब ने जो यहाँ पर कुछ आवाज़ तो सुनी, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, आवाज़ को देखा उधर था कुछ, भाई पता नहीं चल रहा कुछ, भाई कुछ भी हो सकता है, ध्यान से रहना पड़ेगा। ये पूरा है ना, बस घुमा दे रहा हूँ। ठीक है, इस रात का खाना हो चुका है, तो ये हो गई अपनी मैगी। गाइस तो मैगी टेस्ट करते हैं बीच जंगल में कैसी मैगी है अभी, गोल्डन तो ठीक ठाक है, मुझे तो टेस्ट वैसे भी ठीक ठाक ही लगता है मैगी का। कैसी है? अच्छी बनी है। उमंग तू तो बोलेगा नहीं, नहीं बनाई है तो अच्छी होगी, बढ़िया। वैसे मजा आता है तुम लोगों को? बहुत। गाइस अगर आप जंगल में जाए तो आप क्या खाना पसंद करोगे, मतलब जो आपका ट्रेडिशनल खाना है वो, या फिर ऐसा कुछ मैगा वगैरह? तो गाइस खाना हो चुका है हमारा, बहुत मुश्किल से खाई, पसंद नहीं है बट फिर भी खाना पड़ा, अभी कचरा जो वो समेट लेते हैं। गाइस तो खाना तो हो चुका है, अभी थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठने वाले ऐसे बातचीत करेंगे, और उसके बाद में जो वो हो सकता है कि हम गाड़ी के अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ लें। गाइस तो अभी रात के 10 बज रहे, और आप देख सकते हो एकदम घना अंधेरा हो चुका है, जहाँ पर लाइट जा रही उतना मुश्किल से दिख रहा है 10-20 फीट तक, उसके बाद यहाँ पर गाइस कुछ भी देख पाना नामुमकिन है, और हम चारों तरफ नज़र भी नहीं रख सकते क्योंकि हम बैठे हुए, और पता नहीं पास से कुछ निकल जाए या फिर कुछ पास में पहुँच जाए कोई भी जानवर, तो कुछ भी हो सकता है। पहले ना बहुत सारे ऐसे चरवाही आते थे जो अपनी भैंसों वगैरह का चराने के लिए इस जगह पर आते थे, बट हुआ क्या बाद में लाइक बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे, तेंदुए गया भैंसों पर अटैक करता, शिकार कर लेता, मार देता, बाद में तो आप उसको भगा दो कुछ कर नहीं सकते ना, तो वो बाद में आ जाता था खा लेता था, उसी हिसाब से बहुत सारे अटैक हो रहे थे, तो यहाँ पर वो लोग भी कम आते हैं ना, अभी तो बंद ही कर दिया, अभी बंद कर दिया गाइस, तो इतने सारे तेंदुए इस जगह पर है, मतलब उसकी तो टेरिटरी होती है गाइस कि
एक जगह होती है वो घूमते रहते हैं, अगर तीन चार तेंदुए भी हो गए तो आपको पूरा वो जंगल उसका हो जाता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स जगह पर वो रहते हैं, घूमते रहते हैं अलग अलग। खड़े हो जाओ फटाफट फटाफट गाइस, कुछ अभी यहाँ से पास में आवाज आई है, कोई तो जानवर क्या हो सकता है, वो सुअर था उसका आवाज से तो वही लगा। और इसका क्या है, ये सात आठ होते हैं साथ में। काम करो ना, एक एक काम करो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, लाइट करो इस बार, लाइट करो, लेफ्ट में देख इधर, मार इधर, दिख रहे कोई नहीं, दिख तो नहीं रहा गाइस। मैं कोशिश कर रहा था जो जानवर था वो आपको दिखाने की, बट लगता है वो कुछ ज्यादा ही पास आ चुका है गाइस। वैसे जानवर से तो हम गाड़ी के अंदर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, बट जो सुअर वगैरह होते हैं वो पीछे से हमला कर सकते हैं और वो खतरनाक होते हैं, सीरियसली जानलेवा हो सकते हैं वो। जैसे भी 10 से ऊपर हो चुका है और ज्यादा बाहर रहना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से गाइस। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आपको दिखा पाए, बट थोड़ा सा हमें अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे बाहर जाकर हम नहीं दिखा सकते पास में, फिर भी देखो अगर पॉसिबल हुआ तो दिखा देंगे। जंगली जानवर का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है तेंदुआ पास से निकल जाए कुछ ना करे और सुअर अटैक कर दे, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत बार ऐसे किस्से भी हो रखे हैं कि शेर तेंदुए पास से निकल जाते हैं, अटैक नहीं करते, कोई छोटा जानवर आकर अटैक कर देता है और मुश्किलें में पड़ जाते हैं। तो अभी हम गाड़ी में है, एकदम सेफ है, और थोड़ी देर के लिए तो हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। गाइज गुड मॉर्निंग, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और पता नहीं जैसे तैसे कर हमने जो रात बिता दी है गाड़ी के अंदर। तो गाइज अब देख सकते हो वापस से सुबह हो चुकी है एंड अभी नज़ारा जो मस्त होने लगेगा, सारा खतरा टल जाएगा, कोई आपको सुबह देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, मतलब दिखेगा बट बहुत ज्यादा कम, रात में ही यहाँ पर खतरा होता है। सुअर दिखा था सुबह, मतलब वही था फाइनल, वही था दिखा था, वही था। हाँ मैंने वो क्लिप शूट करी है छोटी सी, पास में था, अच्छा हुआ गाइस हम टाइम पर जो गाड़ी के अंदर चले गए, रात बिता दी है गाड़ी के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसके लिए जो लाइक का बटन है वो दबा देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार देना, एंड मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में।